हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के आनंद कोलीवाड़ा में पारस इमारत में रहने वाले टेनेंट्स ने पानी कनेक्शन के बकाए बिल लगभग 17 लाख रुपए और इमारत की रिपेयरिंग को लेकर बिल्डर कैलाश पाटिल से इनका विवाद चल रहा है। दरअसल इमारत में रहने वाले यूसुफ बदरुद्दीन जंगवार वाला और टेनेंट्स का कहना है कि 2017 में मनपा ने पानी का कनेक्शन काट दिया था, पानी का बिल जमा न करने की वजह से, मगर इमारत में रहने वाले टेनेंट्स का पानी का बिल मेंटेनेंस हमने बिल्डर कैलाश पाटिल को दिया है। अब कैलाश पाटिल ने पानी का बिल नहीं जमा किया, जिसकी वजह से पानी का कनेक्शन मनपा ने 2017 में काट दिया। उसका बिल लगभग 17 लाख रुपया अभी भी बकाया है, जो टेनेंट्स भरने को राजी नहीं है। इसके अलावा इमारत भी काफ़ी जर्जर हो चुकी है, जगह जगह सरिया दिखाई दे रहा है, मगर इमारत में रहने वाले 35 लोग रिपेयरिंग के लिए राजी हैं। बिल्डर कैलाश पाटिल इनका खुद 6 रूम इसमें है और 3 अन्य रूम के मालिक रिपेयरिंग करने को तैयार नहीं है। अगर ऐसे में हादसा होता है तो जिम्मेदार आखिर कौन होगा? हालांकि पारस इमारत में रहने वाले टेनेंट्स जो है मनपा और बिल्डर कैलाश पाटिल पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मनपा के नियम के अनुसार पानी के बकाया बिल का भुगतान तो करना ही होगा, मगर बिल्डर कैलाश पाटिल इस मामले में कुछ बोलने को अभी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि नवरात्रि खत्म होने के बाद वो अपना पक्ष रखेंगे। क्या कुछ कहा है पारस इमारत में रहने वाले लोगों ने, सुनिए। क्या नाम है आपका, आपके रूम नंबर कितना और क्या पूरी घटना? नाम से खाई आनंदपुरी बड़ा साईं बाबा मंदिर के पास पड़ोस बिल्डिंग में मेरा एक रूम है 202 कोयला स्पंडल ने मिला से भाड़ा पे लिया, 50,000 डिपोजिट, 7,000 भाड़ा। भाड़ा पे लेने के बाद 3 दिन भाड़ा दिया, उसके बाद खुद का रूम बोल के दूसरे को 5 लाख लेके हैप्पी डिवीज में बैठा दिया। अच्छा, आपके रूम दूसरे को दे दिया है? उसको खुद का रूम आपसे कब भाड़े पे लिया? पहले हो गया भाई, 3 साल चल रहे। कितना साल कंप्लेन वगैरह की? 2 साल भाड़ा दिया, अभी 1 साल भाड़ा नहीं दिया, अभी कल भी नहीं कर रहा है, जब कल चक्कर कर रहे दे दूंगा। अच्छा, दोनों ने हैवी डिपॉजिट कितना लिया? 5 लाख हैवी डिपॉजिट लिया। तो आपने कंप्लेन वगैरह? कंप्लेन किया, मैं कंप्लेन किया, पुलिस ने बुलाया उसको, हमको भी बुलाया, पुलिस के सामने को बोला गुना, पुलिस के सामने लिखित दिया, मैं 2 महीने का अंदर दे दूंगा, 2 महीना टाइम लिया। तो कितना समय हुआ? अभी 2 महीना, फिर 7 नवम्बर को 2 महीना पूरा होएगा। 2 महीना पूरा, ठीक। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया, वो खुद का रूम बोल के भाड़ा पे लिया, दिखे दूसरे को खुद का रूम बोला दिया, हैप्पी डिपोजिट में देखे 8 लाख लेकर हैप्पी डिपोजिट बैठे दिया। क्या नाम है आपका और कब आपकी बिल्डिंग ये बनी थी? सर, मेरा नाम यूसुफ है, ठीक है, और मेरी बिल्डिंग है ना सर 89 में बनी थी ग्राम पंचायत के अंदर, ठीक है। और सर, मेरी बिल्डिंग का नाम है पारस अपार्टमेंट, आनंद कोलीवाड़ा, मुंब्रा। सर, ये प्रॉब्लम हमको है ना 1 साल पहले टैक्स के लिए हुआ था और अभी फिलहाल तो पानी के लिए सर जो उपायुक्त ने लिख के दिया था कि हमने बिल्डर को पैसा भरा, बिल्डर 2 बिल्डर थे यहाँ पे, एक पांडुराम पाटिल और एक ये फखरुद्दीन पालमपुर वाले, ये 2 बिल्डर ने बिल्डिंग खड़ी किया था, जिसमें से दोनों जन चले गए। उनका बेटा रहता है कैलाश पांडुराम पाटिल, जो 2009 से 2017 तक वो मेंटेनेंस खुद ही लेते थे लैंड ऑनर बोल के, और पानी के बिल हमारे से नहीं लेते थे, वो बोलते थे आपका जो लैंड ऑनर है उसके नाम पे ही पानी का बिल। तो हम 2009 से 2017 तक पानी का बिल भर रहे थे, अब उन्होंने जाके पानी का बिल भरा नहीं और 2017 में हमको पता चलता है कि पानी का बिल 17 लाख है। अब ये 17 लाख तक आप ये रुके हुए थे क्या? नीलेश भालेराव ये बोलता है कि मेरे आने से मैंने कार्रवाई किया, मेरे को पता चला। सर, ये उपायुक्त ने हमने कंप्लेंट दिया था, ये उपायुक्त ने लिख के दिया कि आप बिल्डिंग वाले को परेशान मत करो, प्लस जो भी है आप कैलाश का घर सील करो या फिर उसके ऊपर ही कार्रवाई करो। तो भी नीलेश भालेराव सर हमको परेशान कर रहा है, ये 3-4 महीने तो बहुत तकलीफ देते हैं, और उसका वो ये बोलना है कि पानी का बिल, पानी का जो कनेक्शन है वो किसके नाम से? सर, पानी ये पानी का बिल सुनिंदा पांडुराम पाटिल,
ठीक है, ये उनके नाम पे, और हमारा इधर कोई भी बिल्डिंग वाले का कोई भी रूम नंबर नहीं है। प्लस ये दलवी बिल्डर, हमारे एरिया में कोई नहीं है। हमारा आनंद कोलीवाड़ा नियर साईं बाबा मंदिर आता है, और ये बिल्डिंग वाले का किधर भी रूम नंबर नहीं है, किसका भी 300 का एरिया नहीं है। इसमें हमको बिल बता रहा है 1,78,000 सकित बिल एरिया 93,000। पर वो नीलेश बालीराव बोलता है कि वो बोले कंप्यूटर से गलती हो गया, वो क्या कुछ कहानी बता रहे हैं वो हमको पता नहीं। पर सर हमने पानी का बिल भरा है, उसने भरा नहीं है, मेंटेनेंस की पावती है। ये पारस बिल्डिंग वाले ने, हमारे सब रहवासी, उन्होंने मेंटेनेंस दिया, देखो ये इतना कुछ ठप्पा मारेगा, ये इतना कुछ करेगा, तो क्या पता चलेगा हम बिल्डिंग वाले को। अब जब बिल्डिंग का 2,300 रुपया बाकी रहता, आप घर उसका सील करके जा रहे हो, और 30,000 वाले को नहीं कर रहे हो, मतलब पूरी तरह से आप उसका ही सपोर्ट कर रहे हैं नीलेश भालेराव। सर जो पानी का कनेक्शन जो काटा गया था, ये कब कटा? ये 2017 में कटा है, और वो अभी तक बिल्डिंग में पानी पे वो आता ही नहीं, हमको कुछ उसका पानी मिलता ही नहीं। जो है हमारा सबका सेपरेट नल है, आप लोग खुद अलग से लिए, सबका अलग है। और उसमें भी हमने कनेक्शन के लिए अभी योजना में हमने ट्राई किया। अभी योजना का मतलब नीलेश भालेराव को इतना तो पता होना चाहिए, वो ऑफिसर है पानी के, उनको इतना तो पता होना चाहिए कि अभी योजना का मतलब क्या, कि मैं मेरे घर के एग्रीमेंट पे टैक्स पावती पे मैं अपना लाइन ले रहा हूँ, कि भाई वो इलीगल लाइन है, मैं वो लीगल लाइन कबूल कर रहा हूँ कि मैं अभी तो पैसा भरने के लिए रेडी हूँ। पर उनका बोलना मतलब है पानी का बिल बाकी है तो मैं आपका बिल जनरेट नहीं करूँगा। आप क्यों नहीं करोगे? पानी के बिल में तो हमारा किधर भी रूम नंबर नहीं है, आप अच्छा, बता दीजिए। कनेक्शन काटा गया तो उस वक्त भी आप लोगों ने कुछ लेटर वगैरह? जी सर, हमने वो टाइम पे लेटर दिया था कि पानी का कोई यार पानी भरता नहीं है ये। अभी भी आप जाके नीचे आप चेक कर लो, पानी वैसे के वैसे म्यूनसिपालिटी ने सील मार दिया। तो भी नीलेश भालेराव 2017 में भी 17 लाख था, आज भी वो निकाले, आज भी 17 लाख है। मतलब ये लोग झोल झपाटे में कुछ तो है सर। सर मेरे पास ये फोटो है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि पानी का बिल और मेंटेनेंस बाकी रहेगा तो घर कब्जा होता है। पर नीलेश भालेराव फुल सपोर्ट में कैलाश के ही है। वो बोलते हैं कि हम बिल्डिंग वाले को जानते हैं, बिल्डिंग वाले को क्यों जानते हैं, बिल्डिंग वाले क्या करेंगे, बिल्डिंग वाले तो भर दिया, जो ये नीलेश भालेराव ही करेगा। ठीक है, अभी बिल्डिंग का क्या मसला आपका चल रहा है, जो रिपेयरिंग को लेकर मामला है? ये रिपेयरिंग को लेकर क्या मामला है सर? ऐसा है कि बिल्डिंग का हमको पहला नोटिस आया है, आज नोटिस गिरा, दूसरे दिन बिल्डिंग वाले 35 जन ने ऑडिट का 500 रुपया मेरे घर पे दे के गया है। जो 6 जन है, 3 घर तो कैलाश के ही है, उसमें उसके जो अंडर में आजू बाजू वाले, उसमें से 1 जन बोलता है कि भाई मैं तो जुआरी हूँ, मैं तो 2,00,000 रुपये यही समझूंगा कि मैं जुआर में हार गया। सर अगर देखो ये ऑडिट के लिए आ गया, हम रेडी है, ठीक है, ऑडिट का हम उनका 500 रुपया 6 जन का निकाल देंगे। पर सर बिल्डिंग रिपेयरिंग के टाइम पे बात आएगी, जो म्यूनसिपालिटी 3 महीने का चांस देगी, 3 महीने में बिल्डिंग रिपेयरिंग नहीं होती खाली करवा देगी, और बिल्डर नगर सेवक तो यही चाहते बिल्डिंग गिरे और हमको कुछ मिले, ठीक है। तो अभी हम रिपेयरिंग के लिए राजी है, जैसा म्यूनसिपालिटी ने नोटिस आज देखे गया, 35 लोग तैयार है, रेडी है, हाँ, जो 6 जन रेडी नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से काम अटका है, कल उठ के बिल्डिंग गिरी या कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, मुझे ये बताओ, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा घर तो है ही नहीं कि हम वहाँ जाके रह सके। आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार होगा अगर गिरती है? देखो अगर कुछ होता है तो म्यूनसिपालिटी एक है जो हमारी सुनवाई नहीं कर रही, हम पूरे बिल्डिंग जन जाके बात किए, ठीक है, कि ये 6 जन का आप घर सील कर दीजिए, जो ये 6 जन नहीं दे रहा। दूसरा यहाँ के जो भी है नगर सेवक MLA। तीसरा जो बिल्डिंग में 6 जन पैसा नहीं दे रहे, जो अड़चन दे रहे, जो भी जिम्मेदारी होगी उनकी होगी।